शर्म के रंगों के बजाय डर व ख़ौफ़ की ज्यादा चेहरे पर बिछ गई ये सच था कि वो अपने डैडी से बहुत डरता था आपके पास प्रोडक्शन की जो फाइल है वो अपने भाई साहब को देनी थी वो इसी के इंतज़ार में है इसके डरो खौफ चेहरे पर पहले पसीने की बूंदों ने इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया ओह वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया एक सेकेंड वो का कदम भागा और वो फाइल लेकर आया चाचो प्लीज़ मदद ओके मैं यहाँ तक ठीक है मगर आज ऑफिस आप भाई साहब के साथ जाएंगे क्योंकि आज का सारा वक्त मैं सायरा के घर पे हूँ मुस्तफ़ा मलिक की बात पर इसका हलक के साथ खून भी खुश हो गया बहुत खूब ऑफिस के एम अगर इतनी लेट लेट ऑफिस पहुँचेगा तो यकीन मलक स्टेट्स का दिवालिया निकलने में टाइम नहीं लगेगा वो दोनों हाल में दाखिल हुए अर्तज़ा मलिक के सर्द जुमले पर इसने बेखियार पास खड़े मुस्तफ़ा मलिक का हाथ थाराम मलिक के हाथों की कप कपाहट की लग्जिश इन्होंने बगौड़ नोट की और इसका इशारा भी व खूब समझ के इसलिए एहतराम अर्तज़ा मलिक के सामने खड़े होकर इसका दिफा करने लगे फिर दोनों ही साथ ऑफिस के लिए निकले वो ऐसा के आगे खड़ी रंगों से खेल रही थी समायर हसन इसका ध्यान बटाने को पेंटिंग का तमाम कीमती और महंगा सामान ला दिया था और सरसरी बता भी थे कि, कि किसका इस्तेमाल कैसे करना है। मगर वो ठहरी कमज़ोर जहन इनकी पारिश है रंगों के जितने भी ट्यूब थे सबको एक छोटे से प्याले में दबा कर खाली करके वहीं फर्श पर फेंक दिए और अब पेंट ब्रश इसे खूब मिलाया और बेतुका कैनवस पर फेरने लगी रंगों का ब्रेक ब्रेक इस्तेमाल इसने कैनवस पर नहीं अपने कपड़ों और सुनहरी चेहरे पर भी किया हेलो लिटिल गर्ल डॉल पारिस ने सुनहरी आंखें इस पर से हटाकर अपने सामने खड़े सोबर शख्स पर डाली जिसे देखकर कर नरमी से रहे थे अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे इसी वक्त सायरा किचन से बरामद हुई अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप अस्सलाम जीती रही और मैं बिल्कुल ठीक हूँ इन्होंने मुस्कुरा कर सायरा के सर पर हाथ रखा और हमारी पारिस गुड़िया कैसी है इनकी निगाहें पारिस के सुनहरी रंगत पर फहरे जा बजा रंगों पर ठहरी बहुत शिद्दत से ने आलिया मलिक याद आई या मेरे अल्लाह पारिस ये सब क्या है

चलने के लिए कह रही थी जो टुकड़ टुकड़ सिर्फ अपनी जान मुस्कुराते मुस्तफा मलिक को देख रही थी मामा ये कौन है वो अंदर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी इसलिए सायरा का हाथ पकड़ लिया ये आपके मामू जानी है सायरा ने इसके चेहरे पर आई को जो इसकी पेंटिंग के रंग में रंगी मी थी का पीछे किया मुस्तफा भाई आप बैठिए मैं जब तक पारस की हालत ठीक कर दू नहीं मामा मैं नहीं जा रही इसकी जिद्दी तबीयत ओत कर आई रहने सायरा हमारी पारस को ऐसे ही ठीक है आओ बेटा हमारे पास आओ इसकी एक एक अदा से आलिया मलिक की याद छलक रही थी कोई फ़र्क भी तो नहीं था वही खड़े नकूश वही सुनहरी आंखें इनमें मटलाती शरारत सुनहरी रंगत वाली पारिशाह और कल की आलिया मलिक में कोई फ़र्क ना था इनका दिल इसे देखकर भरा है आप मारोगे बिल्कुल नहीं इसकी जहनी कैफियत के, के बारे में अच्छी तरह जानते थे अच्छा फिर आइसक्रीम और चॉकलेट तो दोगे ना सायरा ने इतना तो इसकी सायी समझ ली थी कि किसी भी नए सारे को चेक कर वो इनकी आगोश में घुसी रहती है की सिर्फ बोलने लगी बल्कि सायरा के कहे बगैर इनके पास चली भी आई सायरा को बहुत खुशी हुई मम्मा भूख इसकी भूख एकदम चमक उठी ठीक है नूडल्स ला रही हूँ जब तक तुम तो मामू जानी से बातें करो वो चली गई तो मुस्तफ़ा मलिक को लेकर एजल के पास ले आई और एक ब्रश इन्हें पकड़ा दिया और एक खुद पकड़ा थोड़ी देर बाद रुक कर अपने मुश्किल की ख्वाहिश हुई तो ब्रश छोड़े पड़े मजे से अंगूठे को मुंह में ले लिए मुस्तफ़ा मलिक को कैनवस पर ब्रश लादा देखती रही क्या हुआ बस थक गई पारिस ने तेरी से गर्दन में हिलाई मुस्तफा मलिक मुस्कुरा दी और इसे ले सोफा सेट के पास चले अस्सलाम आज तो मशहूर लोग आए हैं भाई हसन लंच टाइम पर घर चला हसन की निगाह मुस्तफ़ा मलिक के पर पड़ी तो इसके पास आ बैठा बड़े मामू की बन इस पर वो अपने छोटे मामू से ज्यादा फ्री था मुस्तफ़ा मलिक ने मुस्कुरा कर इसे जवाब दिया ओम माई गॉड इसकी नज़र पारिस पर पड़ी तो अंदाजा हो गया कि इसके लाइक पेंटिंग का सामान किस तरह इस्तेमाल किया गया होगा पारिस ये तुमने क्या किया इतने कीमती महंगे सामान का सत्या नास मार डाला इससे जाती निकाह एजल और जमीन पर पड़े खाली ट्यूब्स पर पड़ी मगर पारिस कुछ नहीं बोली बल्कि अपने पसंदीदा अमल के दौरान इसे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था बस चुपचाप ने का जमायर हसन पर डाल कर रहेगी अब ये नहीं बोलेगी मैं इसलिए ये इतना सामान लाया था कि इसका कम अज कम ये फजूल मशिला ख़त्म हो जाए जमायर ने सुलग कर इसे देखा फिर मुस्तफा मलिक को इनसे शिकायत भी की ये लो पारिस पारिस के लिए नूडल्स का बाउली सायरा चली आई तो उसने छठ मुंह से अंगूठा निकाला जिस पर जमायर और मुस्तफ़ा मलिक हौले से मुस्कुरा दी नहीं मामा मैं नहीं खा रही क्या अभी तो भूख लगी थी उन्होंने थोड़ा रोब से कहा मुस्तफ़ा मलिक ने सायरा को इशारे से चुप रहने को कहा और पारिस को देखा आपको भूख नहीं है इसने गर्दन नफ़ी में लाई मगर मुझे तो है लेकिन इसे खाते कैसे ये नहीं मालूम इशारा टेबल पर रखी डिश की सिमत था आपको नहीं खाना आता मासूमियत से पूछा जिस पर मुस्तफ़ा मलिक ने नफी में गर्दन हिला दी देखें इसे ऐसे खाते और फिर एक से फोन के बाद एक एक करके वो सारे नूडल्स मुस्तफ़ा मलिक ने बड़ी चलाकी से खिला दिए चलो अब दवाई खाओ वो नखरेले अंदाज में बोली हसन ने कांच की प्लेट ले ली पारिस ने देखा तो इस पर छपट पड़ी नहीं ये मेरी है दो मुझे मामा ये मेरी है छीना चपटी जोरों पर थी दोनों साइड से प्लेट मजबूती से पकड़े अपनी अपनी साइड पर करने की पूरी कोशिश थी ओ फौज छोड़ो दोनों सायरा ने लड़ता देखा तो जल्दी से ही ले ली क्योंकि एक दूसरे की खेचतानी में दवाई की प्लेट ही नीचे गिरनी थी मामा ये मेरी ये मैं खाऊंगी जुमायर हसन की तो वो असली दुश्मन बन चुकी थी कजा अपनी कोई मामूली सी भी चीज़ इसे देना नामुमकिन ही था हाँ ये तुम्हारी है इन्होंने पारिस को पानी दिया और इसके मुंह में गोली डाली जिससे वो जुमायर हसन को मुँह चढ़ा दी के और अब इससे पहले के सारे इसको खाना देने के लिए उठती वो छट से इनकी गोद में सर रख कर लेट गई इसकी चालाकी पर वह सिर्फ मुस्कुरा के रह गए अंगूठा मुंह में जान... लिए जाने वो कब नींद की पुरसकून ठंडी मीठी बातियों में उतर गई बेटा जमा आप किचन में से खुद उठ के खाना ले लें और मुस्तफ़ा भाई के लिए भी निकाए नहीं सायरा रहने अभी भूख नहीं है यही जवाब जमायर की तरफ से भी मिला मम्मा मम्मा वो वो आ गया मम्मा वो मुझे मारेगा मम्मा मुझे मुझे बचाओ मम्मा वो तीनों काफी देर तक बातें करते रहे कि बेखबर से पारिस की इसकी आंखें एकदम खुली और वो बड़ हड़बड़ा के रह गई शायद कोई और बुरा सपना देखा था देख रही थी आंखें डरों खौफ से फटी हुई थी सुनहरी खुली आंखें खौफसुदा से

बेटा ये मामू है आपके नहीं ये रहमान साहब है मम्मा चलो यहाँ से मम्मा ये ये मुझे मारेगा समझ नहीं आ रहा था इसकी हालत पर बिगड़ती हालत को कैसे मम्मा चलो ना पकड़ के खींच रही थी सारे ने एक बेबस निगाह मलिक पर डाली अपने और और अपने इसके सारीबस बेडरूम में ले आए रहमान शाह का नाम सुनकर पैरिस की इस कैफियत का जिम्मेदार ठहरा कर इनकी आंखों से नफरत तो और गुस्से के शोले फूट पड़े थे कितने मजबूर थे वो के सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे किस कदर खून हुआ था इनका दिल ये सिर्फ वही जानते थे और वही बैठा जमायर हसन इसकी तो दुनिया ही बदल गई थी वो जो बाहर लंदन जैसे आजाद मुल्क का बासी रह चुका था जहाँ हसीन से हसीन दो शीजाएं मान बहकाने को खुलेआम घूमती मगर इसके दिल को फिर भी कोई मुतासर न कर सका मगर अभी अभी जो वारदात इस पर गुजरी वो जितना हैरान होता कम था पारिस के लरस्ते कब कप कपाते कुंदन जैसे सरापे ने इसको बिना पूछे सब कुछ लूट लिया था इसके दिल के बंद केवाड़ों को जबरदस्ती एक एक करके धकेलती छट से अंदर पूरे तमतराक से आ बैठी और वो सवाई देखते रहने की कुछ भी ना कर सका मासूम सी रोती भी लगती तड़पती बारिश जिस तरह कहीं छुप जाने को पनाह रही थी इस पर जमायर हसन के पर फैले थे और इसे इसके समेत इसके डर समेत खुद में हमेशा के लिए समो लेने को दिल बुरी तरह तड़प उठा था वो नहीं जानता था यह सब क्या है मगर दिल से एक सदा बार बार गूंजी थी कि मेरा दिल अब किसी के मासूमियत तो औरगी का असिर हो चुका है किसी का गुलाम हो चुका है गिरफ्तार हो चुका है इसकी जो मोहब्बत के हिजब भी नहीं जानती मुस्तफा मलिक कुछ देर बैठे रहने के बाद इस रूम में गए थे सायरा की गोद में सर रखी इसके दो, हाथ को दोनों हाथों में मजबूती से थामे अपने सीने से लगाबा सो रही थी सायरा धीरे धीरे इसके सील की बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी दुख से खुद इनकी आंखें भी भर आई थी देखा मुस्तफ़ा भाई अब तो ये कुछ नहीं शुरू शुरू में तो इससे भी बुरी हालत होती थी बहुत मुश्किलों से संभालती थी मैं पारिस को अंदाज के साथ लहजा भी किया हुआ था रहमान रेहमानशाह ने पारिस की शख्सियत मस्क कर दिया खुदा इसके लिए इस को कभी माफ नहीं करेगा जितनी बेरहमी से इसने एक मासूम बच्ची के साथ नाइंसाफी किया दुनिया आखिर दोनों जहाँ से कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा सायरा बहुत साबर थी। आज तक इन्होंने अपनी जख्मी पहुंचाई ना कभी किसी को बुरा भला कहा मगर आज जो बद्दुआ की शकल से से इनके लफुआ तो यकिन जिनके सब्र जब का पैमाना लबरेज हो गया था सायरा के लब ही नहीं आज तो दिन के इनके बहते आंसू इनके तड़पते दिल। रवे रवे ने रहमान शाह को बदुआ दी थी रोनी इनशाला जरूर इंसाफ करेगा इससे कुछ छुपावा नहीं मुस्तफ़ा मलिक ने शफकन के सर पर थपकी दी इन मुझे भी इस दिन का इंतजार है गहरी सांस खारिज की और इसकी चमकती पेशानी पर नरमी से भूसा लिया अब मैं चलता हूँ नहीं मुस्तफ़ा भाई आप बैठिए मैं बस अभी आती हूँ नहीं सायरा आप पारिस के पास ही रहे मैं यहाँ से ऑफिस जाऊँगा बहराम मलिक के साथ डॉक्टर जावेद से मिलना है सोयी पारिस के बालों में हाथ फेरते हुए वो बाहर निकल गए सायरा ने पारिस को खुद से मजीद नज़दीक कर लिया जैसे कभी आलिया को करती थी वो भी तो बचपन में अक्सर डर जाया करती थी अच्छा जी और सुनाओ कब लेने लेनें तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे शानदार महल से अपने गरीब खाने पर ऑफिस में रखे खूबसूरत से आयरन फर्नीचर के सिंगल सोफे पर टांग पर टांग बहराम मलिक स्मोकिंग करते में बैठी नाजुक अंदाम सी माया से मुखातिब था अरे वो तो मैं रोज ही आती हूँ शानदार एक्टिंग थी मेरी जान मैं रोज रोज की बात नहीं बल्कि हमेशा के आने की बात करो सिगरेट के एक लम्बा कट से धुआं में छोड़ दिया ओ कम मौन बहराम मजाक छोड़ो अंदाजे बहराम मलिक की बात को मजाक मड़ाओ कम आई एम नॉट किडिंग और रियली खूबसूरत तीर कमान अबरूज को चढ़ाया था और बहुत सोचकर ने जान से मुस्कुराती उठ खड़ी हुई तो फिर मेरी एक शर्त है स्लीव्स की की ब्राउन हद फिटिंग शर्ट पर ब्लैक ट्राउजर में इसका नाजुक सा फिगर किसी भी आबोजाह का ईमान आब बहका सकते थे मगर मुकाबल जो शख्सियत थी वो था बहराम मलिक जिसे खुद पर अपने जज्बात पर एहसास पर ब्लैक का कंट्रोल था और अगर वो खुद के पास था भी तो किसी की अमान था और जो इसकी रगों में जिंदगी बनकर दौड़ती थी इसकी सांसों में की तरह रची बसी थी वो इसके सीने में दिल तो फिर कैसे वो मानत में ख्यांत का जुर्म कर सकता था मगर सामने जो इस वक्त चेहरा था इसे अपना आप एतम दिलाना भी अजहद जरूरी था जिसमें सिर्फ इसकी नहीं खुद से जुड़े हर रिश्ते की बेहतरी थी शर्त कैसी शर्तम बकरिया सिगरेट

बहराम मलिक ने इसकी नाजुक सी कमर में तैयार ना थी और उम्मीद भी कब रखती थी वो बहराम से अपने लिए इस कदर बेबाकी इसलिए इस वक्त इसके कशादा आहनी सीने का हिस्सा बनी डार्लिंग तुम्हारे लिए तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे हसूल के लिए शर्त बहुत छोटी सी है तुम्हारे लिए तो अब मैं दुनिया से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ बेशर तुम एक बार कभी ना जाने के लिए मजबूत मेरी मजबूत महफूज पनाहों में रहने की तामर हामी तो भरो। भरोत रोमांटिक और मध्यम तीन नरमी से बहराम मलिक ने इसके रंगे गोल्डन महरूम बालों की बिखरी लटो को सारों माथे से समेटा वो जो खुद को हद दर्जा बोल्डन कॉन्फिडेंस समझती थी इसलिए सब धैर्य का धरा रह गया निगाह चक्कर खुद ब खुद छुपगी बहराम अली के पुतपश नमजने के कप कपाते समझ सनसनी पैदा करती वो चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो किसी बड़े से बड़े नुकसान ही क्यों न जाती हो मगर इसमें याद बहुत अच्छी थी कि अपनी क्लास की लड़कियों की तरह शाख शाक, शाक मंडलाते डाली नहीं बनी थी इस बीमारी से वो कसो दूर थी जितने भी हाथ की तरफ बड़े सबको बेरहमी से झटक कर बेदर्दी से इनके दिलों को रौंद कर आगे बढ़ गई अगर बहराम मलिक मुखालिफ की सिमत खुद ही बड़ी थी तो इस, इसके पीछे इसका मकसद था इसने लिए बहुत से लड़कों को खुद पर मरते देखा था खुद पर चाल उठाते देखा था तो यही सब वो बहराम मलिक से चाहती थी और अपने खालाजात मकरूर ख शख्स को भी अपने कदमों पर झुकाने की ख्वाहा थी मगर अब वो महसूस करने लगी थी कि आंतें उल्टी गले पड़ने लगी थी बबा बहराम छोड़ो कसम साके अलग होने की भरपूर कोशिश की थी मगर मुकाबिल की गिरफ्त बहुत मज़बूत थी कि इसी पल रूम में इरतज़ा मलिक और मुस्तफ़ा मलिक ने कदम धरे इस ना मंजर को देखकर जहां शर्म से मुस्तफ़ा मलिक की निगाह चुप गई इन्होंने अपना रुख फेर लिया वहीं इरतज़ा मलिक के वजूद के एक एक अजू में गुस्से की चिंगारियाँ दहक उठी मैसट रह गई और झट इनकी मजबूत इसकी मजबूत गिरफ्त से बाहर निकली जो इन दो शख्सियात को देखकर ढीली पड़ गई थी वो तो खिजल से भागने के अंदाज़ में बाहर निकल गई जबकि वो खफीफ सा चेहरा लिए रुख ही फेर गया क्योंकि सामने कोई और नहीं इरतज़ा मलिक खड़े थे बहुत खूब अगर आप इतने ही इस मीटिंग में बिज़ी थे, थे तो दरवाज़े पर नौ एंट्री का बोर्ड लगा देते या फिर इतनी जहमत कर लेते कि अपने सेक्रेटरी को कह देते कि अंदर सर बहुत मसरूफ़ है ताकि हमें ये फिल्मी मंजर तो देखने को ना मिलते सरद पार्ट लहजे में अपना जुमला इन्होंने इसके मुंह पर मारा था एक तो ऐसे अल्फाज फिर खुद अपनी आँखों से देखना वो तो शर्म से ज़मीन में गढ़ के रह गया नहीं अपने डैड के डैडी के सामने उठाने की तो ऐसे भी हिम्मत ना थी अब तो मामला ही दूसरा था वो अपनी नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस करने लगा बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारता आया था वो आज तक मगर आज जैसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी सारी मेहनत अकायद गई अर्तजा मलिक की सुरख गुस्से से भरी आँखें आँच रही थी जिसमें वो खुद को झुलसता हुआ महसूस कर रहा था जबकि मुस्तफ़ा मलिक बगैर बहराम मलिक को देकर वापस पीछे हो लिए जिस पर वो मजीद पानी पानी होकर रह गया क्या ये क्या कह रही हो माया वो मान के माया कुछ नाना को छोड़ने पर हैरानगी की बात है ये तो इनके हर अंदाज से हैरान की दर हैरान की लपक रही थी समझ नहीं आ था कि खुश हो या अफसोस मनाए कहीं बेराम मलिक की कोई चाल तो नहीं माया नो मम मैं बहराम मलिक को लक बहराम मलिक को इतना तो जान गई कि इसे अफेक्टेड चीजें पसंद नहीं है और नैना में सारी जिंदगी के लिए अफेक्ट डिफेक्ट आ गया मम समझे वो एक अपाहिज जैसी जिंदगी बसर करेगी ब्लडी फूल आंखों में नैना के लिए तमसकर उड़ाता था, था। लहजे से नफरत की चमक पास यहाँ थी आखिर को इसलिए असली दुश्मन जो तो ठहरी फिर भी हम बात ये यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वह नैना को छोड़ देगा हो सकता है वो झांसा दे रहा हूँ धूल छोकने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी ने अपना दिली इरादा जाहिर किया नहीं मम मुझे यकीन है वो वैसा कर सकता है और इस बात की तो मैं भी चशम जीत गुआ बहराम मलिक की आंखों में इसके लिए लबो लहजे में अंदाज में नैना के लिए वाज नफरत हकारत की चमक देखिए इस वक्त तो मैं भी जो चंद पल के लिए दम्बा खुद हो गई कि भला बहराम मलिक वो भी नैना से नफरत हूँ इस दिन इतने तोहीं में जुमले कहते इसके लिए शर्म से तो डूब मरने का मुकाम था इसने तनजी हंसी में इस दिन का वाक्य बयान किया एक, एक लफस छुटकारे ले लेकर बता रही थी क्योंकि वो तो यही सब चाहती थी अगर डर ऐसा तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है जिसे हमें मिस करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं मेहरान महरीन गले में डाली भारी गोल्ड चेन उंगली से घुमाती तू मानी लहजे में बोली मैं समझी नहीं मम डार्लिंग तुम रुखसती के लिए हाँ कह दो देखो ना इससे कितने फायदे दोनों भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाएगी तुम मलक हाउस की बड़ी बहू कहलाओगी बल्कि हमारा बिजनेस भी बुलंदियों पर परवान चढ़ेगा वॉट आर यू मैड मम वो पहुंच गा होकर आगी महरीन की इतनी सारी बातों में सिर्फ इसने एक बात पकड़ी थी वो भी रुक सती की आप अभी अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे बहराम मलिक से किस कदर शदीद नफरत है जिसे मैं अपने साथ एक पल बर्दाश्त करने की रवादानी और आप सारी जिंदगी ही बात करती हैं ठीक है मैं इसे अपने कदमों में छुकाना चाहती हूँ मगर अगर मैं इसकी तरफ बढ़ी हूँ तो इसमें सब आप और डैड की कोशिशों का अमल दखल है चेहरे के तीखे ने कुछ में बेजारी ऐसी बेजारी थी आई नो स्वीटी बट इसमें ही हम सब का भला और फिर चन्मा की तो बात होगी सिर्फ हम इस पर हम इन जबर कर तक हाँ संभाल दी इसके करीब होकर बैठी और समझाने के साथ इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी नो मम ये नामुमकिन है ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता कभी भी नहीं एक लफ्ज़ पर जोर से जब आती वो झटके से मेरीन के पास उठ खड़ी हुई जैसे वो जबरदस्ती करके इसकी अभी रुखसती ही ना कर दे चेहरे पर हजारों रंग आ जा रहे थे तीखे तो हुआ है वो हल्के से मुंह मुंह में बड़बड़ाई मगर इसकी बड़बड़ाहट का अ, सिर्फ एक लफ्ज महेरीन के में पड़ा नजायज क्या मतलब है माया वो समझी ना समझी कि कैफिय में खड़ी होकर इसके पास आई और इसका सफेद उड़िया बाजू पकड़ के अपने मुकाबले किया मम प्लीज इस वक्त मैं बहुत 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 टेंस में रेस्ट करना चाहती हूँ महरीन ने और इसके सवाल को बुरी तरह नजरअंदाज करके दोबारा वो बाजू छुड़ाए अपने बेडरूम की सिम पड़ने लगी देर के वहीं खड़ी इसके नक्श पा कदमों पर निगाह टिकाई इसकी बेजारी छहट को सोचती चलेगी मगर बहुत सोचने पर भी इन्हें माया का एक लफज पल लेनी पड़ा मगर हाँ शक के दर्द जरूर वाह हुए थे कि माया इनसे कुछ छुपा रही है और वो कुछ क्या छुपा रही है इसकी खोज लगानी पड़ेगी वो तसली से प्यार से बिठा कर उकलवाना पड़ेगा

अपनी कैफिय पर हैरान की दीवानी अब बहराम अली की मोहब्बत की सीर हो गई थी मगर बहराम अली की अंदाजा तार में मीठी तब्दीली इसने अपने लिए निकाह माय रहमान से निकाह के बाद देखी जिस पर हम वोट छुई मुसी बनी रहती बेराम मल की मौजूदगी में सिमट सी जाती लाख इसकी लोद देतीहों से छिपने की कोशिश करती पर इसकी निगाहें से तलाश ही लेती मगर अब हालात ने जिस तरह अचानक पलटा खा इसकी तो अंदर की बुनियादी हिल कर रहेगी खुशगवार जिंदगी पसमर्दगी में बदल गई क्यों भाई आखिर मसला क्या आपके साथ जरा खुलकर एक ही बार बता दे वह बेड बैट पर बैठी अपने इतराफ से मुकम्मल तौर पर बेखबर साइड टेबल पर धरी अपनी और बहराम मलिक की निगाह वाली रोज खैंच की तस्वीर को बिना पलक बगैर बगौर देख रही थी कि बहराम मलिक को अपने कमरे में मौजूदगी का पता ही ना चला और आज ये अब तक की जिंदगी में पहली बार हुआ था वरना तो वो दूर से इसकी खुशबू से इसकी मौजूदगी का पता बता सकती थी मगर आज वो इस कदर नहीं कि इसके अपने करीब होने का भी पता न चला चौंक करे ले रहा था सवाल ने जन्म लिया हुआ था शिकायतें थी गिले थे जिन्हें बहराम मलिक ने अक्सर इग्नोर कर दिया नैना ने निगाहों के जावे के साथ चेहरे का रुख भी फेर लिया इसके सामने आंसू को यूं बेमोल करने की हिम्मत न थी इसलिए वो मुश्किल आंसू के गोले हलक से और दिल में उतार लिए मेरा ख्याल है मैंने आपसे कुछ पूछा है मिसेस नैना के नाजुक से दोनों शानों थाम कर आयिसकी से अपने मुकाबले खड़ा किया था मगर इसकी निगाहें बददस्तूर झुकी हुई थी अलबत्त घनेरी से जैसे अपने आंसुओं को गिरने से महफूज करने के लिए कोशिश की जा रही हो बहराम प्लीज अगर तुम मेरे लंदन जाने के बारे में बात करे तो बेकार है क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ से ये चंद अल्फाज कब कबाते लबों से निकले अपने हवासों में तो है आप इतना बड़ा फैसला सोच भी कैसे लिया हालांकि इस रोज मैंने आपको खुले लफ्सों में बाबर करवा दी थी कि मुझे अपनी बीवी का अपने घर के अलावा किसी और घर में रहना पसंद नहीं है क्या इस रोज आपकी में ये बात बैठी नहीं थी लहजा नहाज मध्यम और ठहरा हुआ था मगर इसमें भी एक कख्त की थी जिसके लहजे से कम हर अंदाज से ज्यादा महसूस हुई शानों पर रखे हाथ लमस की गिरफ्त में सख्ती पैदा हो गई नैना शिद्द तकलीफ से पिंक लबों को सख्ती से भेज गई बेराम मलिक ने इसकी तकलीफ से लड़सते नै ने कुछ पक और चाँचे मगर इस पर तो जैसे इसकी तकलीफ इसकी मामूली सी नमी का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था अगर आप ये समझिए कि हमारे रिश्ते के दरम्यान हमारे बेडरूम के बीच पासले की दीवार खड़ी है जिसे मैं न फलाक सकता हूँ ना गिरा सकने की कोशिश की हिम्मत है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है जितने धीमे से अपने नजदीक किया था इससे कई गुना झटके से इसके नाजुक चानों को अपने मजबूत हसार से आज़ाद भी किया वो जो

गिरा दूंगा मैं। हर मजात बे, बेकार जाएगी नैना बेगम किति खुली बे बाफत करा था नैना का तो हया से पूरा वजूद झंझना उठा पलकों की बाढ़ उठा कर रुकसार कभी ना उठने के लिए सजदार रेज होकर रह दिल खौफ से धड़कने लगा बहराम मलिक तो वैसे भी इसकी खुद को रोक गया निगाह डालता कमरे से निकलता चला गया आंखों में टहरे समंदर पर जितने बंद बांधे थे वो सब एक एक करके टूटते चले गए गर्म सियाल इसके चेहरे समेत इसके जिसम को भी जलाते चले गए बहराम मलिक के शोले बार नहीं वो खुद को झुलसता पिघलता हुआ महसूस करने लगी राज जो थोड़ा बहुत भरम भी बाकी था वो नजरों के सामने चकनाचूर होकर रह गया पूरे कमरे की गंभीर खामोशी में इसकी सिसकती सुलगती सिसकियों की गूंज के अलावा कोई आवाज़ न थी मामा पारिस बारे के बारे में आगे क्या सोचा आपने सबा सायरा के बेडरूम में मौजूद नए डिज़ाइन के ड्रेसेस डि, 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 के डिज़ाइन देख रही थी जमायर हसन भी वहीं मौजूद था और इनकी बातों पर इसकी तमाम हसियात जाग उठी थी वो जो स्टीरियो सुनने के मूड में था अपना इरादा तरक करके कान मामा की बात पर लगा दी हाँ सोचा तो है मेरे एक स्टूडेंट है नहाय जहन और होनहार उम्र भी पारिस से दो सी तीन साल बढ़ी है आगे जाकर इनका मुस्तबिल बहुत रोशन और ताबनाक है मुझे पारिस के लिए बहुत बहुत पसंद है सभा का जवाब देकर सोफे पर बैठे जमायर हसन को तीसरी नजरों से देखा यानी कि मुझे जल्द अज जल्द मिलना पड़ेगा आपके जहीनो और होनहार स्टूडेंट से आखिर को हमारी पारिस के मुस्तबिल का सवाल जो ठहरा साहबा भी खूब मूड में थी मगर हसन की इतना बहुत कम थी इसकी बर्दाश्त देना चली वन मिनट इस घर में मैं आपको नजर नहीं आता क्या बहराम भैया का निकाह निकाहाम की शादी होगी मुझे आप इसी तरह रखेंगे दिल के खूब फोले फोड़े थे जलन तो जैसे झलक झलक कर अपने होने का एहसास दिला रही थी सब और सारे को हंसी तो बहुत आई मगर कमाल होशियारी कर गई लबों की तराश में बहुत मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई नहीं मेरे चांद अल्लाह ना करे आप कंवारे रहे आपके लिए तो आपकी जैसी नफासत पसंद सलीका मंद लड़की ढूंढनी पड़ेगी क्या मतलब अमां मैंने तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी आपने नहीं रखी सामाई भाई मगर मुझे तो अपने भाई की तबीयत का मालूम है ना इसलिए मेरी भाभी भी ऐसी होनी चाहिए सभा ने पूरा पूरा जिज करने का प्रोग्राम तरतीब देख रखा था इसने तब कर सभा को देखा जन्नम में जाए शर्माहटो घबराट इसी शर्म में अपनी जिंदगी अपने प्यारिस शाह को गवा दूँ दिल कड़ा करके बोली दिए मामा आप लोग पारिस को ठोक बजा कर सलीका मंद बनाइए इसके अलावा मुझे कोई सूट नहीं करेगी ये मेरा आखिरी फैसला है सबक की हंसी का फंवारा फूट पड़ा वो जो मजीद जमायर हसन का ने सबा की हंसी का कोई नोटिस नहीं लिया सोच लीजिए सौ मुस्कुरा रहा था और आपको जल्दी ये शादी की तो इतनी जल्दी पारिस कैसे सब सीखेगी मम्मा वो वाकई सही मानो में बुरी तरह से छो चुका था एक तो सबा की खनक थी हंसी रुक नहीं रही थी सोने पर सुहागा सायरा की मानी खेस गुप्त मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं और पहले कि कोई आपका जहीनो होनहार स्टूडेंट दरमियान है मैं फौरी मंगनी करना चाहता हूँ चबा चबा कर हर लफ्ज़ पर जोर दिया खास कर होने होनहार पर तो भी किया था यार वैसे इस मुंडे ने बहुत साड़ रही है कभी पारिस साड़ रही होंगी कभी माँ साड़ रही कोई नहीं जमािर बेटा भाई किससे मंगनी करेंगे आप हंसी के दरम्यान फिर छेड़ा पारिस से और किससे रवानी में मिला कर मुझसे सच निकल गया फिर बस फिर सारा ने मजीद सताने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और जानता लब मुस्कुरा हर से वो अपनी जगह से उठी जमािर हंसन के पास चाट रही हमें जो आपके होंटो से सुनना था जो आपके दिल में था हमने बिलाकर वो आपसे उगलवा ही लिया ना आपने क्या समझा मैं इतनी आसानी से पारिस को खुद से अलग कर दूंगी जिस कीमती पत्थर को मैंने किसी खूबसूरत दुआ की तरह हासिल किया ऐसे ही घुमा दूंगी नो कभी नहीं सारे ने इसके घने बालों को हौले से बिगड़ा जमायर हसन इन दोनों की चलाकी पर धीरे से हंस दिया थैंक्स मामा जानी वो उठा और लाड से इनके कंधे पर सर धर दिया क्यों जमायर भाई अब तो खुश हैं आप हंसी हुई सुबह वहीं चली गई जमायर हसन ने मुस्कुरा के देकर कुछ याद आने पर इसके कान पकड़ लिया अल्लाह भाई क्या करें टूट जाएगा सबा ने समायर हसन का हाथ पकड़ा और कहने की नाकाम कोशिश की सब पता चल रहा है शहराम की मोहब्बत ने खूब तुम पर असर किया मजाकन चेहरा कान भी छोड़ दिया सबा कान से राती छह सी ओके मामा मुझे जरा कुछ काम है मैं चलू चेहरे पर दिलकश मुस्कराहट खुली पड़ रही थी आंखों में मोहब्बत की चमक चीख चीख कर अपनी जिंदगी को हासिल करने का ऐलान करी थी सारा और सबा दोनों ने अपने दिलों में इसकी हमेशा रहने वाली खुशी की दुआ की वो कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा इसी पल दाखिल तो 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 रो रो तुम तो हमेशा मेरे दुश्मन ही बने रहना बारिश जिसे दिन में तारे नजर आ गए थे जबरदस्त टकराव से ब मुश्किल समझे बिल खड़े जमायर हसन को नहायत घूर के देखा अब वो क्या कहता है कि इसका दिल तो गया था धीरे धीरे इसकी जान भी

तो पूछो मत पसीने की वजह से गर्दन और माथे पर चिपके हुए थे मम्मा मैं किचन में नूडल्स बना रही थी सायरा की डांट पर मिन, मिन आई क्यों मना किया था ना बर्नर के पास नहीं जाना अभी कल ही हाथ जलाया था अपना अभी तक वो जख्म ठीक नहीं हुआ और देखो जरा क्या हाल बना लिया अपना इन्होंने नरमी से इसके चिपके बिखरे बाल हाथों से सवारे अभी कपड़े पहनाए थे रोजाना कम अज कम दस बार सूट बदल दिया और अब सुबह से ये जो कोई चौथा या पांचवा सूट होगा तुम्हारा वो इसे अंदर ले आई से इसका नया सूट निकाला और इसका हाथ पकड़कर वॉशरूम ले जाने लगी साथ साथ में इसकी क्लास भी जा रही थी जिस पर आई पारिस का मुंह फुलावा नहाई नहाई थी वो निकल गई साइरन ड्रेसिंग चेयर पर इसे बिठा और इसके गीले बाल संवारने लगी पारिशाह बिल्कुल चुप थी सबा महसूस होती उठी और पारिस के पास जाकर खड़ी हो गई क्योंकि टेबल की वो बुलबुल की तरह चहकती भी अच्छी लगती थी ये जरूरी था वो खुद इसके पाल बनाती

बहराम हम कहाँ जा रहे हैं फ्रंट सीट पर बैठी माया ने ड्राइविंग सीट पर बराजमान स्टेरिंग व्हील चलाए थे बहराम मलिक पर निगाह डाली जिसकी मुकम्मल और भरपूर पर्सनल्टी थ्री पीस ब्लैक कोट पैंट में आज कुछ ज्यादा दिलकशी लिए हुए थी हम आ वहाँ जहाँ तुम हो मैं हूँ और कोई भी ना हो अनाबी के अनाबिकलों पर जानदार मुस्कुराहट हटने अंदाज अंदाज़ चाहिराना था जिस पर वह चौंक रह गई क्या मतलब वो बुरी तरह हलाके के रहेगी जिसका बहराम मलिक ने नहाय बारीकी से नोटिस लिया और एक खास निगाह इस पर डालकर हटा भी ली वैसे पहले माया रहमान पीछे पीछे पई वगैरह चिपकी रहती थी जब राम मलिक मैदान चाहे चाहते माया रहमान दबा के दौड़ रही है कुछ तो गड़बड़ा दिया अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो सच कभी कभी तो मुझे बहुत हैरान होती तुम पर कि आया तुम वही माया रहमान हो ना जो हमारे निकाह के बाद थी मेरे सामने अपनी तमाम तरह बेबाकियों समेत वाली माया जो हजारों लोगों की परवाह किए बगैर मुझसे मिलती थी जिसे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने का बेहद शौक बल्कि जुनून था मगर मैंने कोई ऐसा मौका परेशानी नहीं होगी हम तुम्हारी का पूरा पूरा करेंगे, okay? हमारी पर पूरा मीडिया, पूरा प्रेस मधु होगा माया के अंदर की बदलती कैफे से बेखबर बस अपनी बोले जा रहा था और तुम्हारे घर वाले इसने मुश्किल खुद को संभाला अपने रगमगाते लहजे पर बरवकत काबू किया वरना सारा प्लान बिगड़ भी सकता था इसलिए तो इसकी फैमिली के बारे में आगाह करना ख्याल किया मगर क्योंकि क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बहराम मलिक अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए किस कदर पॉजिटिव था और ये भी कि वो लोग बहराम मलिक को कितना चाह अजीज़ रखते थे मगर बहराम मलिक की यह गलती किस तौर माफ नहीं करेंगे खासकर इतज़ाम मलिक जो है सख्त बाप के बाप किसम के बाप थे अरे मेरी फैमिली क्या <coughs> तुम बेफिक्र हो इन्हें मैं खुद संभाल लूगा इतनी आसानी से इसने कहा जैसे वाकई सब करना बहुत आसान हो फिर तो बहराम मलिक तुम बहुत बड़ी खुशफहमी हो क्योंकि नैना के साथ की की और नाइन पर वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे तलखी से सोचा था इसने बस बेहराम मलिक तुम नैना को तलाक दे दो फिर मेरा और फिर मेरा काम भी मेरे अवलिन मकसद भी खत्म हो जाएगा लबों पर बड़ी पुर से स्टार तंजिया मुस्कुराहट से जाकर इसने खुश फहमी में डूबे बहराम मलिक को देखा इसके तो रिश्ते को भी खबर नहीं थी क्या गेम खेल रही थी अच्छा पुत्र

और इनको समझाना जितना समझाना डांटना मेरा हक है इससे कम आपका भी नहीं है आज वो बोली बड़ी थक गई थी बेहराम मलिक को समझाते समझाते मलिक सर्द मोहरी में लिपटी सुते, सुते। शुक्रिया नवाजिश सुनवास आपने आज आपने मुझे मेरे हक के बारे में आगाह किया वरना मैं तो शायद सारी उम्र इस तरह ही अनजान रहता इनकी सख्त तंजिया बातों से वो हमेशा सीछ हो जाया करती थी इट साहब आखिर आप बहराम को खुद क्यों नहीं समझाते वो आपकी भी तो औलाद है मैंने तो इन्हें बहुत समझाया लबे में किस कदर नरमी खुली हुई थी वो ऐसी औरतों में से नहीं थी जो उजड़ चाहलों की तरह अपने शोहरों से हाथ में चाने चाकर बातें करती इनसे जुबान चला दी इतजाम मलिक ने भी आज तक इनसे तलक कलामी की थे? कौन से सर रहे थे कि ना इन्हें अपनी डैडी की नाराजगी का बिल्कुल बेपरवाह होकर आया था जिसका सबसे ज्यादा दुख था hmm. क्या समझाऊ मैं दूध पीते बच्चे हैं वो या उंगली पकड़ कर चलने वालों में से समझदार है अकलो शवर रखते हैं अपना पूरा बिजनेस वक्त छोड़कर यहाँ बैठा हूँ ताकि महत्म की रंगरलियाँ देख सकू इनकी अबारा गर्दी देख सको ऐसा कुछ पहले, देर पहले मैं इनके ऑफिस से आ रहा था पता चला कि माया के साथ आउटिंग पर गए बढ़ चुके हैं ना इन्हें मलक स्टेट्स की का ख्याल है जिसकी साख बुलंदियों को छूती है ना ही मलक हाउस की दो दीवार की आबरू का लिहाज आज पहली बार वो साहिदा पर चिल्लाए पर ताबत ना कर सके इनकी चीख पर सुनकर घर के तमाम मकिन भी हाल में जमा हो गए भाई साहब आप गलत समझ रहे हमारे बहराम मलिक नहीं मुस्तफ़ा मलिक ज्यादा चुप नहीं रह सके मलिक ने इस तरह देखा जैसे कह रहे हो ऐसा कुछ हो जाने पर भी वो इस तरह कह रहे हैं बिल्कुल जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने भी आखिर को आपको तो इनकी हमायत लेनी है आपकी और अपनी वालदा साहबा की मॉरल सपोर्ट पर भी तो इतनी शय पर है शायद तो अंदर तक कट कर आएगी जबकि मुस्तफ़ा मलिक पर शमान से निकाल चुका आगे क्योंकि आगे से जमान चलाना इनकी तबियत और तबीयत और तरबियत में शामिल ना था चाहत के साथ इनके दिल में अपने बड़े भाई के लिए इज़्ज़त और एहतराम भी बहुत था बहराम मलिक गुस्से जज्बात गु़स्से में जो ये गलत कदम उठा बैठा था माया से निकाल कर इसका कसूरवार अरतजा मलिक ने साजदा को ठहराया था और वो बेचारी जख्म जख्म हो जाती थी कि इस उम्र में आकर बहरामी ने इरतता मलिक से बातें सुनवा रहा है नैन बेटी मुझे बहराम से ज्यादा अजीजो प्यारी है नैन को लंदन जाने से रोक कर इन्होंने कोई बहादुरी को काम नहीं किया इस रोज़ तो मैंने कुछ नहीं कहा जब इन्हें वो नैन को इस्लाबाद से इसी रात लिया है मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगा बल्कि खुद नैन को लंदन इनके ग्रैंड फादर के पास छोड़कर आऊँगा मुझे से हर फैसला हाथ में किए बैठे थे सब जानते थे कि वो जो फैसला कर ले से एक इंच भी हिलने को तैयार नहीं थे भाई साहब आप वाकई बहराम की तरफ से बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है बहराम आजकल जो करें वो मेरे में है इनका माए की तरफ उठाए एक एक कदम मेरी नजर में है इस सब की बेक वक़्त निगाह है मुस्तवा मलिक की सिम टूटी क्या वो नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं और वो खुद मुस्तवा मालिक सबकी निगाहों में लिखे सवाल अच्छी तरह समझ रहे थे वो कुछ भी बहरामल की गैर मुझे में कहना नहीं चाहते थे मगर हालात अब हद से गुजरने लगे थे इल्ज़ाम तराशे हद से सवा होने लगी को दूरतों ने दीवार फैलांग दी थी और इससे पहले कि सब कुछ फना होता वो सच्चाई से पर्दा हटा बैठे ये हमारा एक सोचा समझा तरतीब दिया प्रॉपर प्लान था धीरे धीरे हर राज अक्ष होने लगा और यह भी कि आज इस प्लान का ड्रॉप सीन है सभी अंगश्ते बंदा होकर रह गए और सबसे ज़्यादा जिसे जैसे धजका शौकी कैफे मुबतला हुई वो थी नैना कितनी बड़ी भूल कर बैठी थी वे हर जाइ सिफ्त पर एतबार गर्दान बैठी थी और वो खुद यानी बहतराम मलिक ने भी तो एतमार में लेने की कोशिश नहीं की इसे और फिर वही हुआ मुस्तफ़ा मलिक के लबों से अदा होता एक एक लफ्ज़ जिसकी अपनी सोचों ने इसकी तबीयत बिगाड़ दी सब लोग सब कुछ छोड़ कर जाएगा कि बिगड़ती हालत को संभालने में जुट गए बैराम मलिक के हम कदम वो इस शानदार से मह मैं, मैं क्या किया मैं क्या बैराम मलिक दी कोई गेम प्लान है तुम लोगों ने पता नहीं मेरा अतबार किया कि नहीं किया लेकिन सुन लिया करो कभी कभी बल्कि कभी कभी नहीं मोस्ट ऑफ रीज सही होती है और रीज ने अगर नावल ना भी पड़े फिर भी टाइम तो हो गया नावल्स में, दुनिया में रहते रहते। बेराम अली के हम कथन वो इस चांदा से महनुमा बंगले के सबसे बड़े और हसीन तरीन बेडरूम में लेकर आया था जिसकी सजावट देखने से ताल्लुक रखती थी दीवार पर हसीन तरीन महंगे वाल पेपर चिपकाए गए थे बेडरूम का पूरा फर्नीचर बाहर से मंगवाया गया था जिससे देख इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था थ्री डोर वॉटरोप के बराबर में फुल साइज का खूबसूरत नाजुक सा कांच का एक्वेरियम रखा एक था इसमें मसनू हरी भरी घास के अलावा चाँदार रंग बिरंगी मछलियाँ मस्ती से तैयार ही थी गो के स्पेक्ट्रम में नाजुक को छोटे छोटे शोर पीस से लेकर फर्श पर बिछे बेस्क तक हर शह बाहर से इम्पोर्ट कराई गई थी फुल साइज पेड के ऊपर नैना की बहुत बड़ी सी खूबसूरत ग्रीन लहंगे में मलबूस तस्वीर चसपा थी इसके चेहरे पर जमाने भर की मासूमिय मुस्कुराहट थी बेशक वो वाकई बहुत खूबसूरत हसीन थी जिसका सही अंदाजा माए इस पर लगा जाने में और कितनी देर तक इस तस्वीर में गुम रहती कि खट की आवाज ने इसका था पीछे मुड़कर देखा जहाँ बहराम मलिक दरवाजा लॉक करके महे तरीन शीशम की लकड़ी मजबूत लकड़ी से बने खूबसूरत सोफे पर टांग पर टांग रखे ब्राज था इसके अंदाज में इस कदर पुरसकून थी कि माँ की तमाम हिस्सा लर्ट होगी ये 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 दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने माया को आज ऐसा महसूस हो जैसे इसकी सारी तेज तारी हवा हो जाएगी इसलिए डियर कि आज का सारा वक्त हर लम्हा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यानी अपनी मिसिस माया के साथ गुजारना चाहता हूँ

अपनी कदर का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकती हूँ कि ये रोमांटिक बेडरूम मैंने सिर्फ नैना के लिए डेकोरेट करवाया था यहाँ मैं इसी के साथ अपने खूबसूरत और सुहानेशबरुस गुजारने का ख्वाहिशमंद था मगर देखो आज तुम इससे इस मामले में नंबर लेगी इस रोमांटिक बेडरूम में आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने वाला हूँ आज तो लगता है इसका योम हिसाब का दिन था हैरानी कि इतने दर्द इसकी आंखों में इसके सोचों में खुले थे वो बहराम मलिक जो छः माह पहले से हद दर्जा चिड़ता था एलर्जिक था इसकी बेबाकी और खुली हरकतों से जो लफस नाप तोल कर बोलता है इससे बल्कि कभी कभी तो वो ये कह जाती बहराम मलिक तुम्हें अल्लाह ताला ने जबान देकर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की हम वक्त ताल्लुक से चिपकी रहती है मगर वो गलत थी जिसका नजर से इस पल बहराम मलिक को देखकर हुआ वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम वक्त खामोश रहने वाला जब बोलेगा तो यूँ फट बोलेगा यह अगला बंदा बस सोच कर रह जाए माँ इस वक्त बहराम मलिक से हकीकत में खौफजुदा हो गई थी अगर इसने कोई ऐसा वैसा कदम उठा ले तो क्या वो इसकी कसरती मजबूत ताकत से मुकाबला कर पाएगी अपना बचाव कर पाएगी इससे आगे की सोचों पर वो झुझी सी गई झुजुरा सी गई और फौरन से पेशता कोई भी लम्हा जाए कि बगैर दरवाजे किसी में बड़ी मगर दरवाजा लॉक था चंद पल के लिए इसकी सांस ऊपर की ऊपर जाएगी दिल किसी सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह काम कर गया हलक तक में कोई किसी खौफ से नमी न उतर आई थी बबा बहराम दरवाजा खोलो बढ़ना मैं चीखने लगूंगी

इस तरह अपने सामने खड़ा होना माया क्यूँ एक निगाह में पैर के नाखून से सर के बाल तक का जायजा लेना माया पूरी जान से कप कब कबा रहेगी इसकी सारी धरी की तरी रहेगी वैसे माया एक बात और कहूँ तुम कपड़ों में बहुत सेक्सी लगती हो पहनती हो इसके एक खुले जुमले और इस पार, एक बार फिर माया के सरापे को भरपूर निगाहों से देखना माया के चौदह तबक रोशन कर गया दिलो दिमाग में खबतरे की घंटिया पूरे जोर शोर से समाजों के पर्दे फाड़ने पर मजदीद थी आज इसे पहली बार इस अपने इन खुले कपड़ों से क्राहित महसूस हुई बगैर आस्तीन और डीप कलर की पर्पल फिटिंग हाफ शर्ट पर

कोई निका नहीं हूं मैं तुम्हारे छूट था वो सब एक फरेब एक धोखा था मैं तुमसे और तो क्या किसी से भी निका नहीं कर सकती मगर जो तुम्हारे साथ किया वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी फैमिली को झुकाने इन्हें झुकाकर अपने वालन के कदमों में नीचा दिखाने की साजिश थी और कुछ नहीं मेरे लिए और कुछ नहीं वरना मैं तुमसे किस कदर शदीद नफरत करती हूँ इसका अंदाजा भी अगर लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते घिन आती है मुझे कराहित महसूस होती है मैं खुद से जब तुम्हारे साथ कोई भी लम्हा बिताऊँ

बहराम मलिक सीने पर हाथ बांधे हनाहात सुकून से, से देख रहा था कितने ही लम्हे चुपचाप खामोशी की नज़र हो गई काफी वक्त बाद इसे ठहरे हुए मुजस्पे में हरकत हुई थी बहराम मलिक आइस की से चलता हुआ इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से इसके मेकअप से मजयन खूबसूरत चेहरे पर अपनी पाँचों उंगलियों के सुरख निशान सबत सब कर दी वो बहराम मलिक जैसे लंबे चौड़े कसरती मजबूत शख्स के सामने नाजुक से ये वार सहना पाए और दूर जा गिरी

तो फिर तो मैं कहूँगा कि तुम बहुत बड़ी खुश में जिंदा रही मैं चाहता तो तुम्हें इसी दिन इसी वक्त जमीन में उतार देता जिंदा जब तुमने नैना को भयानक जानले हुआ एक्सीडेंट करवाया था मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम क्या बोल रहे हो बालों को छुड़ने की भरपूर कोशिश थी तकलीफ से इसके आंसू इसका चेहरा भी होने लगे भला नजों पर माया ने तकलीफ सही कब थी बल्कि वो तो इस लफ्ज़ के मानी से भी ना बल दी थी अच्छा तो फिर ये कौन है इसने अपना पर्सनल डिजिट इसकी नजरों के सामने करके एम के फंक्शन का बटन प्रेस कर दिया रोशन स्क्रीन पर माया का खरीदा हुआ दोनों हाथ बाल छुड़ाने की कोशिश हमसे अपनी बेखबरी पर भी मैं बह रहे थे बहराम मलिक ने फोन करके जहाजी सा इस बैड पर उछाला अच्छा तो वो हाल किया सूरज देख सकेगा कितनी तकलीफ होती थी मुझे

अपने दहकते उबलते लावे पर कंट्रोल करना था तुम जैसी घटिया गिरी हुई सोच की लड़की के लिए सबको अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स को दुख करवाहट देना लाजमी था वरना मेरा प्लान कैसे का कामयाब होता बालों के गुच्छे को तयश में छोड़ा था जिस पर रोती दम शादी माया खड़ा के रह गई बहराम मलिक के सच्चे खड़े अफसों पर इसे कमरा घूमता हुआ लगा था कमरे की हर्ष गर्दिश करती हुई महसूस होने लगी थी गो गोकि इसने माया को सही मानों में दिन में तारे दिखाए थे तो ये सब तुम्हारे पापा पर लैन था धुंतलाती इस पर डाली बिल्कुल नैना के एक्सीडेंट के बाद में तुम्हारी तरफ से बड़ा ये मेरा कामयाबी की तरफ पहला कदम था इसने रुककर माया के चेहरे के तस्रा देखे इस दौरान मैं अपने दैशो गुस्से पर कंट्रोल कर चुका था और मैं ये भी जानता था कि तुम्हें ये बात भी मालूम है कि मुझे डिफेक्टेड चीजें पसंद नहीं इसलिए तो कुदरत ने जो जिंदगी भर के लिए नैना में रुख रखा जहां मेरी तकलीफ का बायस वहीं से मेरी कामयाबी की राह शुरू होती है फिर मैंने तुम्हारा ऐतमार हासिल करने के लिए जैसे जैसे तुमने कहा वो किया जो जो तुमने चाहा तुम्हारे नक्शे कदम पर चला तुम्हें क्या लगा मैं ये बात नहीं जानता ये सच्चाई छुपी है मुझसे कि हमारा निकालना जायज है धोखे चला गई तुमने जिन पेपर्स पर साइन करवाए वो मुझसे वो सब असली हाँ मलग स्टेट्स के पेपर्स बिल्कुल असली थे वो तुम हासिल कर सकती थी बेषरती निकाल के पेपर भी असली होते इस धोखाधड़ी केस में मैं चाहता तो तुम्हें उम्र भर के लिए जेल भिजवा देता मगर मैंने ऐसा नहीं किया मैं चाहता था कि तुम अपनी खुद तजवीज़ करोगी इतना सब कहता वो झुक कर इसके समंदिर भरी आंखों में छाकने लगा कुछ देर खामोशी के बाद इसका गुस्सा फिर से लबों के ज़रिए बहने लगा जो माया की समातु में हथौड़े की तरह लग रहा था रही तुम्हारी माया फैक्ट्री जिसके अस्सी परसेंट शेयर तो थे ही मेरे नाम मगर तुम और तुम्हारा बाप बीस परसेंट शेयर से भी हाथ धो बैठे हो आराम से कमाई दौलत जिसके तुम लोग मालिक बने बैठे हो आज वह सबकी सब ट्रस्ट वेलफेयर की नज़र है जिस पर रहमान चढ़ा उसकी मिसेस महरीन रहमान के दस्तखत है धोखा सिर्फ तुम ही लोग करना चाहते हो खुद को बहुत होशियार समझ लिया था ना तुम लोगों ने वैसे तुम लोगों को समझ कर एक गुर मैंने जरूर सीखा है वो ये कि तुम जैसे घटिया और गिरी हुई सोच रखने वालों को सबक सिखाने के लिए हमारा किचड़ में गिरना जरूरी हो जाता है कहते कहते कुछ पल रुका फिर साग तो जामत खड़ी माया को गुस्से भरी निगाह से देखा मगर जो कुछ तुमने नैना के साथ किया दिल तो चाहता तुम्हारा रेशा रेशा जुदा कर दू वो बुरा हशर करूँ कि बहुत से लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहो मगर एक्चुअली वो कहना कि गलत तुम नहीं तुम्हारी तरबियत है तुम्हारे वालदेन की दी गई गलत तरबियत जिस सांचे में इन्होंने तुम्हें ढाला तुम ढल गई शायद तुम्हारी अपनी कोई अक्ल कोई सोच नहीं है निगाहों पर गहरा तंज और था माहिया के लिए इस वक्त तो तुम्हारे अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी होगी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे अपने अंदर की तमाम नफरत सारा आज इस पल वो उगल चुका था इसका ऐसा रूप भी होगा वो तो सोच भी नहीं सकती थी सारा शौक टूट चुका था सोचो में अगर कुछ था तो ये सामने खड़े इस जलाद बहराम मलिक को अभी इसी वक्त जिंदा जला दे नाखनों से उसका मुंह नोच कर नक्शा बिगाड़ देती कि आमते इसने हम पर पढ़ा और वो बेखबर बिल्कुल अन जान रही नहीं वो इसे नहीं छोड़ेगी आई किल यू बहराम मलिक तुमने अच्छा नहीं किया मैं तुम्हें जान से मार दूंगी आ आ बहराम मलिक ने सख्ती से इसकी बात काट कर हाथ इशारे से ऊपर उठाया था अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई आहिस्ता रवि से वो चलता हुआ आराम वराम सोफे पर जा बैठ रहा होगा मुझे गुस्से से सुरख होती माया को देखने लगा तुम्हें सरप्राइज देना और शौक देना बहुत पसंद है आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ जो तुम्हें अंदर तक खिलाकर रख देगा से रुख इसी से अपना बेडरूम में बने छोटे ड्रेसिंग की, रूम की था जो फॉर जो मुड़ी चंद लम्हों के लिए वो बुरी तरह चकरा के रह गई नर्वस ब्रेक डाउन होना बाकी था ऐसी हालत होगी थी इसकी चेहरे की सफेदी बिल्कुल जर्दी मायल होगी और आंखें सामने खड़े शख्स को देखकर कर पथरा गई हाँ वो वही था जाने अर्जु जाने तमन्ना इसकी कुल कायनात था इसकी आती जाती सांसों की महकती खुशबू इसके दिल की हर धड़कती धड़कन चाह तिरमझिम में बरसती पहली बारिश की पहली बूंद जहरा में खिलने वाला पहला फूल बाहरों के मौसम में गुनगुनाता पहला नगमा पहला सुर इसकी जिंदगी में साफ शफाफ शबनम का पहला कतरा इसका प्यार इसकी मोहब्बत इसका जुनून इसका इश्क इसकी सारी खुशियाँ इसकी जान इसकी रूह इसकी ज़िंदगी इसका शोहर शहर तिर तिरमजी वो साल तिरमजी जो इतना गरीब था कि इसके घर एक वक्त खाने को ना होता और इस गरीब सात तिरमजी की जो वो कब की असीर होगी वो खुद नहीं जानती थी कब वो में जाने में वो 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 बेखबर ही रही उस बेखबरी में वो इसका सब कुछ चुरा ले गया मगर इसके नज़दीक दौलत की फसील दीवार खड़ी थी जो इनके बिलक में हायल बहुत ऊँच उन्थ, बड़ी ऊँची मजबूत वजह थी लेकिन वह इस वजह को नहीं मानती दौलत से ज़्यादा से मोहब्बत से इश्क था और इसका इश्क सात तिरमी जिससे वो छुप कोर्ट मैरिज कर चुकी थी और ये खुफ़िया राज बहुत कम लोग जानते थे मगर बहराम मल कैसे ही राज पा गया परेशान बल्कि यहाँ तक कि इसकी सोच ही जवाब देगी लंदन गया था माया के लाख मना करने के बावजूद तो कर करता तो वो भी जानता था माया की तरह सात तेरमी भी इसके दिलो जान का असीर था इसके हुसन का शदाई इसकी मोहब्बत में पोर पोर डूबा हुआ सात खाली खाली निगाहों में समेत कप कपाते लबों से यह नाम अदा हुआ जो कि वो इसी को ही बगौर देख रही थी सात तीन मजीद जिनसे छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बेराम की बात तो जान कर मैंने तुम्हारे आगे रखी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था तुम इसके लिए कभी भी राजी नहीं होगी मगर जब तुमने नाना को डावोर्स वाली शर्त रखी तो सही मानो में जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा हो जिस शेयर का मैं तस्वर भी नहीं कर सकता वो बात तुमने इतनी आसानी से कह दी मगर देखो किस्मत ने कैसे मेरा साथ दिया

अंदाज में वही बेकरारीख्तारी पन्हा थी जिसका साथ तिर मजीदाना था क्या है ये सब माया मध्यम भारी लहजे में शिकवा था साथ साथ ये सब तुम इसकी बातों पर मत करना। और जो मैं अपनी आंखों से पिछले छह माह से देख रहा हूँ कितना टूटा बिखरा था इसका लबो लहजा इसका अंदाज छी से बढ़ बढ़ाई हाँ मैं यहाँ छह माह पहले ही आया था मगर जो रूप मुझे तुम्हारा नजरा इस रूप ने मेरे अंदर के साथ को तोड़ दिया फना कर दिया तुम्हारे इस रूप ने इस साथ को खो दिया जो तुमसे दीवानों की तरह इश्कता था इस दिल में अब तुम कहीं नहीं हो माया तुमने खुद ही इस माया को गुम कर दिया जिससे मैंने इश्क करना सीखा तो जो मोहब्बत करते हैं वो किसी की झोली में नफरत के सिक्के नहीं डालते माया मगर तुमने अपने इस रूप से साबित कर दिया कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी बल्कि मेरी मोहब्बत मेरी दीवानगी के साथ मजाक किया था खेल खेला था माया तुमने गहरी सांस लेने को वो चंद पर रुका मगर आज आज मैं तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मोहब्बत की सारी जंजीरों से आज़ाद करता हूँ अपनी जान अपनी जिंदगी से अलग करता हूँ नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत करो तुम तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मर जाऊँगी मगर तुम मुझे ना मिले तो मेरे साथ ऐसा मत करो वो तड़प कर इसके मज़बूत कदमों में किसी दासी की तरह बैठ गई इसके अंदाज़ में इतजा थी फरियाद और आजजी थी मगर साथ जैसे इसकी फरियाद से बेबहरा हो गया था वहीं उस फासले पर खड़ा बहराम मलिक पर इस पर तो जैसे आज हैरतों के पहाड़ टूट पड़े माया का यह अंदाज़ पहली बार जो देखने में आया था प्लीज़ माया तुम मेरे साथ ऐसा मत करो माया साथ ने बग़ैर किसी एहसास के से उड़िया बाजू से थाम कर उठाया क्योंकि अगर तुम इतनी आजी से भी मुझसे कुछ मांगोगी तो मैं खाली हाथ ही दामन ही रहूँगी क्योंकि आज मेरे पास भी कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए मोहब्बत तो दूर के बाद नफ़रत तो हमदर्दी के दो बोल भी नहीं वो हार गया था वो साथ जो जिंदगी के हर कदम पर जीतता चला आया था इस कदम पर आकर वो मात खा गया जितनी शिद्दत से इसने माँ को टूट कर चाहे वो सब समंदर किया था गहराइयों में खो गया तुम अगर मुझे छोड़ कर गए तो मैं पागल हो जाऊंगी वो पागलों की तरह इसके दोनों हाथों को मजबूती से जकड़े हुई थी नहीं माया अब बहुत देर हो चुकी है बहुत देर बस इतनी दुआ करना कि इस दीवाने दिल को तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ जाए बेकरार मन को करार आ जाए

अना दूर दूर तक मशहूर थी पल किसके आगे ज़मीन पर बैठी मोहब्बत की दस्ते सवाल थी अपना कश्कुल चाहत के सिक्कों की भीख मांग रही थी मगर अफसोस जाने वाले ने पलट कर मोहब्बत की क्या अदावत भरी एक निगाह भी डालना पसंद नहीं की बहराम थका थका मलक हाउस के बड़े से खूबसूरत हाल में मेंटर हुआ थकावट के रोए रोए से झलक रही थी मगर दिल में एक तमानियत भी जरूरत थी कि आज वो अपने मकसद पर अपने प्लान में कामयाब हो गया सुरखुरू हो गया अपनी और अपनी फैमिली की नज़रों में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते बहराम मलिक के मजबूत चौड़े सीने से ममता की मारी मोहब्बत से साइता जा लगी वैसे है ना सीन अगे पढ़ने मैं ऊपर वाली तरह अपनी राय नहीं इजहार नहीं किया यार जो दूसरों के लिए तो ना फिर बुरा तो होना ही होना माया ने बहराम थी, जिंदगी नैना की जिंदगी बच्चे इतना वो इतने वो मेस क्रिएट किए तो अब उसके साथ भी यही कुछ होना था ना जब आप उस जब आप दूसरों के लिए घड़ा खोद रहे हो तो आपकी अपनी लाइफ बेड ऑफ रोजेज तो नहीं ना हो सकती कुत्तर हो फिर मेरी जान मुझे माफ कर दे मैंने जाने आपको क्या क्या कह दिया और आप खामोशी से सिर्फ सुनते रहे चांद सफाई में कुछ तो कहा होता अपनी मम्मी से ही थोड़ा बहुत शेयर कर लेते कम अज कम आपको इतनी बातें तो सुनने को ना मिलती इतनी अचानक कैफियत पर वो चलना है हट बढ़ा के रह गया मगर जल्दी खुद को संभालिया मुझे माफ कर दे बहराम अरे मम्मी क्यों मुझे गुनाकार कर दी इसने अपने सीने में छुपा साइदा का भीगा चेहरा दोनों हाथों से ऊपर उठा और अपनी मजबूत पोरों से बहती आंखों से कीमती आंसू साफ किए जो इसके लिए बह रहे थे और फिर काही मेहंदी शीशे सामने खड़े मुस्तफ़ा मलिक पर टका दी थे तो वो समझ चुका था कि इन्होंने तमाम राज अफशा कर दिए सबको सब कुछ सब सच बता दिया था मुस्तफ़ा मलिक ने जानतर मुस्कुराहट समेत अपनी दो उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दी तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना कितना लहजा जाता मेरी मजाल भला मैं अपनी जन्नत से रूट सकता हूँ सायदा ने सूदा होकर इसकी चोरी जबी पर ममता की खूबसूरत माहौर सबत कर दी बेराम मलिक हौले से हंस और फिर इन्हें अपने मजबूत बाजू के हसार में लिए घर के तमाम लोगों तक ले जहाँ सब इकट्ठे खड़े इसी का इंतजार कर रहे थे और माँ बेटे की लाजवाब मोहब्बत का मंजर भी देख रहे थे आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई सन मुस्तफ़ा मलिक ने फ्र से इसे अपने सीने से लगा और जज्बे शौक से इसकी पेशाने पर पे गुस्सा लिया थैंक्स चाचू इसने फिर इनकी मोहब्बत का वैसे खलूस से जवाब दिया और क़ीदत से इनके हाथों को चूम लिया कि इनकी रहनमाय के बगैर तो बना मुकम्मल ही था अभी वहीं खड़े इरतजाम मलिक के पास जाकर खामोशी सर झुका खड़ा हो गया सॉरी डैडी बस ये एक अखलाफन की सारी दूरियों को अजाला कर गया तमाम शिकवे गीले मिट गए थे मिटा गया और वो खुद बढ़कर इरतज़ा मलिक से नरमी से बगल गिर हुए बेहराम मलिक की तमाम थकन उन्होंने अपने अंदर उतार ली अपने फैमिली मेम्बर के खिलखिलाते चेहरों को देख कर वो अंदर तक पुरसकून हो गया हाँ तो मालूम हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा समझदार समझदारंद भी हो सकता जो हम ना कर सकते थे वो सैयद बहराम मलिक कर गुजरा इन्होंने मुस्कुरा के जिंदगी में पहली बार इसके माथे को खराजे तहसीन बख्शा पहली बार इतना खुश हुए नहायत मोहब्बत से देखा इन्होंने से आज अत मलिकसास हुआ को अपने बच्चों से किस कदर दूर रहे थे डैडी बाद अगर रुपए पैसे की होती है तो ठहर जाती मगर नुकसान मेरी फैमिली की जानों पर आ गया था जो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं था बल्कि अनजाने में मैंने ही आप लोगों के दिल दुखा डाले अरतज़ा मलिक ने खुश होकर एक बार फिर से गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए दुआ दी फिर बारी बारी वो सबसे मिला आज तो यहाँ पारिश भी बैठी थी जो इसे फारिग देखता जल्दी से इसकी तरफ लपकी वरना सारे ने इसे बिठाए रखा था बहुत सी बातें हुई सबसे वैसे यार बहराम भैया आपने हकीकत में सारा मैदान मार लिया अब हम फखर से कह सकेंगे कि सैयद बहराम मलिक इज़ वेरी जीनियस जीनियसराम मलिक ने बेतकल्फी से इसके चौड़े कंधे पर हाथ धरा और शहर मलिक की बात पर की तरह बराव में, में बैठे जमा हसन ने पुरजोर अंदाज में की वॉट डू यू मीन पहले क्या मैं तुम लोग बहराम मलिक ने मुस्कुराती निकाह बारी बारी दोनों पर डाली इसके पुरमजा अंदाज पर जहां इन दोनों के मुखले रह के हैरत से वहीं करीब बैठी सबा की अचानक भरपूर हंसी फूट पड़ी श्याराम मलिक ने घूर कर सभा को देखा तुम्हारे बड़े दांत बड़ीदान कभी खुद को देखा तब कर बैराम मलिक को तो नहीं मगर सबा को जरूर जवाब दिया आपसे तो अक्लमंद तो तो के दरमियान अभी तक खटपट चलती है बैराम मलिक इनकी शादी से पहले भी इनकी लड़ाई से बड़ा महजूस होता था अरे यार कैसी खटपट रातों कि नींदें हराम हो गई हैं वो कैसी बेजार बीवी वो किसी बेजार बीवी की तरह शिकायती टोकरा लिए खड़ा हुआ चेहरे पर ऐसा कुछ था कि जैसे जुलम के बहुत से पहाड़ी तोड़ दिया क्या मतलब बेराम मलिक के से अचानक निकला और साथ ही जमािर हसन भी मतवजा हुआ रात की जो पहर सपनों में ख्वाबों में घूमने के होते हैं ये मोहतरमा बोर्ड सब्जेक्ट मैथ्स लिए बैठी मेरा दिमाग चार्ट रही होती है इसके बेबाक जवाब पर बहराम मलिक बुरी तरह झेंपसा गया और अंदर ही अंदर पछतावे पछताने लगा कि शहराम मलिक जानते हुए वो क्या पूछ बैठा जबकि जमािर हसन बगल में मूली होने से मुस्करा दिया हुनर आम है तो दोनों ने मिल गया जवाब दुखी इंसान दे दुख सुन ले और वो यानी सबा इसका तो वो हाल था कि तब कर बिल्कुल सुरख होगी उस शराल को बुरी तरह घूरने लगी जैसे वहा अपनी तो हरकतों पर कंट्रोल था ना जुबान पर तो किसने कहा था आपको इतनी जल्दी शादी करने पर तपास रह जो जलता बुंदा जवाब मौसूल हुआ दिल ने कहा था क्योंकि इस पर मेरा इख्तियार नहीं है जान कर छेड़े से बाज नहीं है शहराम हद होती है बेबाकी भी कभी तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लिया कीजिए सुलग कर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला इसी अंदाज में वो अपने उमड़ते हुए कहके को रोक नहीं पाया आपको वाकई कभी अकल नहीं आएगी इसके कहकर जल्दी पर तेल का काम किया तो साथ ही इसने मलिक पर ए, भी सुना मैसे तू भी एक बार और नजरसानी कर ले अपने फैसले पर सभा तो चल पढ़ी लिखी है मगर पारिस वो तो दो जमात भी नहीं है तुझे तो आते जाते से ये और एक से सो तक गिनती सिखानी पड़ेगी तेरे तो समझ पांच छह साल यूही से सिखाते गुजर जायेंगे जमायर हसन के लिए दुख लहजे में बोला जैसे इससे बढ़कर तो जमायर हसन का कोई हमदर्द ही ना हो इसकी सबकी मौजूदगी में जवार हसन कुछ खफीफ सा हो गया हालांकि सभी अपनी बातों में लगे थे किसी के भी कहानी की बातों पर ना थे फिर भी वो अंदर तक झांप गए ऐसे राम ने जिस दिन किसी ने हत् चढ़ना ना तो आंदी भी खैर नहीं होनी बेचारा हमारा जमायर जहाँ ये पारिस को मोहब्बत की मीनिंग समझाएगा वो बोले कि माई नेम इज पारस जहाँ हंसन से अपना ख्वाबों के जोड़ने की बात करेगा पारिस बोले की दोड़ दो को जमा करे क्या जवाब आएगा खुद ही बोलकर खुद ही जोर से हंसने लगा बहराम को उसका बाम मलिकेज होकर मुस्कुरा बहुत मजा दे रहा था लगा वो शहराम से कम भी ना था जयमार हसन ने मुस्कुराती निगाह मलिक से बात बिगड़ दी पारिस पर डाली से इन कुछ माह में वो इनकी इसकी देखभाल ने इसको काफी निखार दिया था सुनहरी रंगत सुनहरी आंखों में खुशी की जिंदगी के दीप रोशन थे कुंदन जैसा नाजुक सरापा काफी दिलकश और दिलफरेब हो गया था यकटक पगौर पारिस शाह को देखने पर शहराम मलिक ने जोर से खनकारा बढ़ा

महफिल काफी रौनक हो रही थी हर फर्द यहाँ हॉल में जमा था सवाई नैना के जो अपने बेडरूम में सो रही थी साजिदा की बाबतन डॉक्टर की ट्रीटमेंट से इसकी तबीयत संभली थी बेडरूम में सो रही थी वो जब से बेकरार बे हो गया था और जल्द अज्द जल नैना से मिलना इसे देखना चाहता था मगर अपने घर वालों की मोहब्बत को भी खूब जानता था काफी फकत गुजर गया खड़ा हुआ बेहराम बेटा बस खाना लगने वाला है इसे ज्यादा देखकर शायद गोवी मम्मी मैं जरा नैना से मिल लू वो जाकी होगी ओ जमायर और शहराम की ओ को वो खूब समझता था इसलिए मुस्कुरा के इग्नोर करता वो ऊपर की जाने बढ़ने लगा बेटा बहराम अगर नैन गई तो आप इन्हें अपने साथ ही नीचे ले आइएगा जी बेहतर वो अदब से जवाब देता ऊपर बढ़ गया नैना दरवाजा बगैर खोले खटखटाए वो जैसे ही इंटर वाइज पर लाता था, चीजों की बारिश होने लगी जिसमें बेड कुशन बेड तकिया कुछ बड़े बड़े टेडी टेडीबेड थे जिनसे वो नबर दस था नैना मेरी बात तो सुनो मगर वो तो जैसे कुछ भी ना सुनने की कसम खाए बैठी थी बेडशीट तक उठाकर फेंक दी इस पर गोया के वो पूरा कमरा ही गुस्से में उलट दिया था जबकि कमरे की बेतरतीब होने के साथ इसका भी होलिया बेतरतीब बिखरा हुआ था लॉन के ऑरेंज पैरट शलवार के मीज़ पर दुपट्टा नजारे पूरे बाल बिखरे शाना पर पड़े थे बहराम मलिक का दिल कट कर रह गया वो इसके पास पड़ रहा था मगर वो इसे करीबी नहीं आने दे रही थी आई किल यू तुम समझते क्या खुद को इतना बड़ा धोखा इतना बड़ा छूट इतने अर्से तक मुझे बेवकूफ बनाते खांसी का अचानक दोरा अचानक उठा था और बहराम मलिक तड़प कर आगे बढ़ा साइड टेबल पर बड़ा ऑक्सीजन था नैना के चेहरे को थामे इसके मुंह पर स्प्रे किया नैना की सांसों की रफ्तार कुछ कम हुई मगर नीले झील भी चेहरा भिगो रहे थे नैना बहराम मलिक ने ऑक्सीजन पंप वापस टेबल पर रखा और इसे लिए अपने बेड पर आ बैठा और इसके दोनों गुलाबी हाथों को अपने मजबूर हाथों में कैद कर लिया छोड़ो मुझे खबरदार जो मुझे छुआ भी छोड़ो मुझे खबरदार जो मुझे छुआ भी इतने अर्से तक मुझे बेवकूफ बनाते रहे जिलमिलती निगा इसके चेहरे पर डाले हाथ छेड़ के इसे छुड़ाए और वहां से उठ खड़ इससे दूर जा खड़ी हुई यह सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ आया था ना मैं तुम्हारे पास तुम्हें समझाने मगर क्या करें जिस चीज़ का वजूद ही ना हो तुम बात कैसे समझी जाए ना चाहते हुए भी वो इसका लहजा कुछ सख्त हो गया बस इसी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा था यार भी किसी कोई चीज होती है मगर तुम्हारी ने मुझे ना सिर्फ बहुत तड़पाया बल्कि गुस्सा भी बहुत आया तुम पर दिल तो चाह समंदर में उठाकर फेंक दो इसके सुंदर मखड़े पर निगाहें चबा जमाए लफ चबा चबा कर बोला था हाँ तो फेंक देते ना तिनक कर जवाब है तो फिर मेरा क्या होता है मैं तो बेमौत ही मारा जाता ना मासूमियत से कहते से अपनी सिम कह जाऊँ पूरी तरह इसके मजबूत हसार में कैद होकर रह गई हाँ बस आपको अपनी पड़ी रहती यहाँ यहां जो मैं इतना तड़पी हूं इतना रोई इसका क्या वैसे तो बड़े बड़े दावे करते तुम्हें देखे बिना गुजारा नहीं तुमसे बातें किए बगैर कोई पल अच्छा नहीं गुजरता इसके मजबूत शानों को झटका देती हुई इससे अलग हुई और कुछ फासले पर जाकर खड़ी हुई बकायदा पर पूरा अंदाज में इसकी नकल उतारने लगी बहराम मलिक हंसा बस आर और नाजुक से दोनों शानों पर हाथ धरे इसके नीले शीशे में झांकने लगा मेरी जान बड़े बड़े दावे तो मेरे अब भी हैं नैना इनका ही मेहंदी निगाहों की वारफ्त की तरह देना देख सकी निगाह खुद झुकती चली गई बहराम मलिक ने दिल लूट लेने वाला मंजर नहाय दिलचस्पी से देखा और अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें इस रोज इस्लामाबाद से इसी रात वापस ले आया था यह सबूत काफी नहीं कि मैं तुम्हें देखे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता लहजा बहुत मध्यम था जो नैना की समा तो मेरा इसके अलावा रोजाना रात के तीसरे पहर जब आप बेड पर बेखबर ख्वाबक खरगोश के मजे लूट रही होती थी माँ बदौलत की नींद हराम की तो मैं तुम्हारे पास बैठा खंडो बातें किया करता था अब ये तुम्हारी बेखबरी की मेरी अपने करीब मौजूदगी महसूस ना कर पाती पाई नीली झील छुकी निगाह सुरत से ऊपर उठी कि या कुछ ना था इन निगाहों में खजालत हैरानगी शौक तो इसका मतलब वो जो देखती आ रही थी महसूस करती आ रही थी दिल जिन सरगोशों के लमस पर मुस्कुरा के धड़कता था पलके जिन मीठी मीठी बातों पर अरसती जाती थी वो कोई खूबसूरत सपना नहीं दिल लूट लेने वाला ख्वाब नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत मुजस्म हकीकत थी जी हाँ वो कोई सपना कोई ख्वाब नहीं वो इसके अंदर की पल पल लिखी तहरीर को बसानी पढ़ सकता था जो कुछ इसकी आंखों में था वो भी बहराम मलिक से कैसे छुपा रह सकता था नैना खौफ से एकदम सर्ट पड़ने लगी थी यही सोच करके आठ माह तक मलिक रात के तीसरे पहर इसके इसके बेडरूम में करीब और इतनी बेखबर रही रहीिक को लम्बे महीने लगे थे इसकी कैफियत जानने में नैना इन रातों में मैंने तुमसे सिर्फ खुशखार बातें की तुमसे वादे वादों अहदों को पूरा करने की कस्में खाई हैं अपनी और तुम्हारी खूबसूरत सी जिंदगी को शेयर किया इसके अलावा कुछ नहीं अपनी मजबूत हथेलियों में इसका सुंदर मुखड़ा भरा सच कह रहे हो हाँ तो और क्या और वैसे भी तुम्हारी बेखबरी में भला कोई शरारत कर सकता हूँ हाँ अब कोई पबंदी आये नहीं है चेहरा छोड़े इसकी बिखरी वारा जुल्फे छेड़ी इसकी बेबाकी पर नैनान ने जोर से इसके छोड़े सीने पर अपनी नाजुक हथेली का मुक्का बना के मारा और इसे दो कदम पीछे हटी अपना मुंह धो रखो वैसे यार तुमने भी कम ज्यादा नहीं की मेरे साथ अपना गुस्सा तो इन सब से मुझ पर निकाले अब मैं अपना बदला कैसे लू इसका इशारा कारपेट पर जा बजा बिखरे कुशन वगैरह की तरफ था और इस गुस्से का भी जो तुम मुझे तुम पर था और लम्हा लम्हा मजीद आता रहा बेतबारी की तमाम हदें तोड़ दी तुमने मुझे छोड़कर लंदन जा रही थी ये भी ना सोचा मेरा क्या होगा वो तकलीफ़ से लम्हे याद करके इसकी क्लास लेने की फिर ठा देना कोई इसके भूले मुंह पर भोले मुंह पर जहाँ इतमान हुआ वहीं दिल सुकून से नाच उठा वाक़ी गलती तो की थी इस पर परमान ना करके कि वो जिस खारदार रास्ते पर चला था ये नहीं इसकी बेत ने इसे मजीद जिक पहुँचाई होगी वॉइस इस से चलती हुई इसके पास हा ठहरी वो जो फिर जो इससे मुँह फेरे खड़ा था सॉरी दोनों कान पकड़े शु, गुलाबी शुगर शुगर फी को तराश में मुस्कान छिपाए मासूमियत से इसके चेहरे को तकड़ी दी सच बहुत बुरी लग रही हो ऐसी मैं मलिक का दिल ठहरा इसके मामले में नरमा मुलायम दोनों हाथ पकड़ के नीचे गिरा दी क्या मैं बुरी हूँ वो चीख पड़ी हाँ इतनी बुरी कि मुझे मेरे दिल को फिर भी हरसूरत सिर्फ तुम ही कबूलो कब ननमी से इसके नाजुक तराशे पैकर को खुद में सुना अब तक तरह करोगी ना नाजुक खूबसूरत थोड़ी था मैं इसका चेहरा ऊंचा किया जो इसकी गुर्बत से गिल हो गया था क्यों क्या फिर किसी माए के आने का इंतजार है जानकर छेड़ा था अल्लाह ना करे अब तो पहली फुर्सत में रुखसती लेकर हनीमून ट्रिप पर निकला बस अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती नैना के शर्मा हया से रुखसार इतने सुरख हो गए कि अभी इनसे खून छलक पड़ेगा दिल तो वैसे इसकी सी कुर्बत पर उधम पहल करता रहता और अब तो मामला ही कुछ और हो गया था बहराम मलिक ने इसका गुलाबी होता चेहरा ऊपर उठाया क्या ख्याल है दोगी मेरा साथ आखिरी सांस तक ले जा से कहते हुए इसके मजबूत सीने पर सर धर दिया बहराम मलिक ने इसके हिफाजत का हजार खींच दिया तो कर लो एक कुस्ताखी समाप्तों में प्यार भरी मध्यम सर गोशी थी नैना ने शुदा होकर आंखें मोद ली बहराम मलिक ने इस दिलकश मंजर पर इसकी प्यारी अदा पर मुस्कुराकर कर इसकी खुशकस्मत बेशानी पर अपनी बेकरारी और बेताबी की मोहर सबत कर दी रात से तमाम कांटे सारे अंधेरे मिट चुके थे एक नई रोशन सुबह उजाले लेकर इनके लिए रास्ते में ढेरों फूल बिछाए इनके इस्तबाल को खड़ी थी आज पंद्रह साल का अरसा बीत गया था रहमान और महरीन की रहाई का दिन था दोनों ने जेल से निकल कर पहली में मेंटल हॉस्पिटल का रुख किया जहाँ इनकी अजीज जानी जानकौती चहती बेटी माया एडमिट थी माया नहाय दुख से दोनों ने इसे देखा जो वाइट ढीले-ठाले सूट में मलबूस को बिखराए हाथों को ऊंचा की हवा से खेल ली थी वो आएगा हाँ वो आएगा मुझे लेकर जाएगा बस इन्हीं लफ्जों की तकरार तो पूरे कमरे में गूंज रही थी कभी बेतहाशा हंसती थी कभी चारों कतार होने लगती इसकी जोरदार हंसी इसकी जनूनी चीखें बिलक बिलक कर रोकर मातम करना बैन करना इस हॉस्पिटल की मजबूत दीवार को भी हिला गए अपनी जिंदगी अपने प्यार से हारी हुई लड़की माया रहमान जो ना मर सकती थी ना जी सकती थी काश वो मर जाती तो इसके वालदे को सबर आता था मगर पल पल मरती माया ने इन दोनों को जितनी अजियत वो थी इससे कई गुना ज्यादा रहमान मेहरीन अपने अंदर महसूस कर रहे थे कितनी बड़ी इबरतनाक सजा दी थी इन्हें खुदा ने कुरत का इंतकाम भी कैसा है कौन कब तक बचेगा कब तक किसी पर जुल्माएगा और समझेगा कि वो पाक पास है हर गुना से पाक अल्लाह से नहीं देख रहा चंद सिखे गरीबों मस्किनों में खरात करने से सजदे में झुक जाने से इसके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे धुल नहीं जाएंगे और गुनाह भी वो किसी पर बेजा जुलम करना इन्हें कर मजे लेना दिल दुखा कर के लगाना किसी को सारे महफिल बेजत करके अपने दिल की तस्कीन और बड़े बड़े बोल, -बोल दूसरों को अपने से कमतर समझना नहीं ऐसे जल्लाद लोग थोड़े दिनों तक तो अपनी फतेह जीत का निशान बना सकते हैं हमेशा नहीं दुनिया आखिरत दोनों खराब हो जाती है ऐसे लोगों के फटे पुराने कपड़ों में मलबूस रहमान रहने एक दूसरे का हाथ हमें खसीट घसीट कर चढ़ लेते थकन हुई तो फुटपाथ पर खड़े घने ऊंचे दरख के मजबूत साय के नीचे सुस्ताने बैठ गए ये वो दोनों थे जिन्हें न ना जमीन पर चलना पसंद था न देखना तकबर और राउनियत से उठा कदम कब तक दो लड़के सामने से आ रहे थे इन्होंने मेहरीन और रहमान शाह को सर पकड़े जमीन की तरफ निगाहें गाड़े देखा तो अपनी जेब से चंद सिक्के निकाल कर इनके आगे डाल दिए और आगे बढ़ के महरीन ने सर उठाकर सिंह जाते लड़कों को देखा फिर जमीन पर अपने आगे पड़े इन सिक्कों को उठाकर हथेली पर रखा दोनों की निगाह इन चंद सिक्कों पर थी अभी औकात होगी थी इनकी जो चंद सिक्के वो गरीबों को देना अपनी तो हिंद समझते थे वही इनकी थी। जुल्मों कर दिया। के साथ इन्होंने क्या किया है तो वो अब अपने आगे आया न अपनी बेटी को पागल हो गई है यार बंदा अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता लेकिन अपनी किसी अजीज जान की नहीं बर्दाश्त करता तो अला पाक ने इनसे इस तरह से इनका मकाफात ऐसे आया इनके सामने अल्लाह पाक हम सबको हदायत पर रखे और दौलत की हवस से बचाए ये दौलत की हवस बड़ी है तो जी यह है खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा कैसा लगा आपको नावल अपनी राय का जरूर सार टाइम हो गया मेरे अल्लाह तीन बज गए यार पिछले तीन घंटे से तीन घंटे छह मिनट से या सात मिनट लगा रहा छे तीन घंटे के ऊपर हो गया मुसलसल मैं बोल रही हूँ मुसलसल अब तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी हो गई है चेंज हो होगी अलग मैं सो के उठ के आई थी तो इतना बोल पड़ी हूँ बाकी है इस पर हंसपे बाद मैंने कहा था कल इसको एंड करूँगी तो एंड हो गया नहीं तो ये कल भी कल पे जाना था कल पे जानी थी एपिसोड लेकिन मैंने कहा नहीं ये अर्जी पढ़ना और फिर आपको पता है ये मुझे इतना पसंद है नावल कि मैं जब इसको पढ़ने बैठती हूँ फिर मैंने होश नहीं रहता कि मैं कितनी देर बोल रही थी कितनी देर नहीं बोल रही बाकी आपको कैसा लगा अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और थोड़ी डिटेल में राय दिया करें यार और 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 अभी मैं नहीं, इसको अगर मैं कंपाइलिंग करके देती ना एक ही पार्ट में तीन घंटे की एपिसोड तीन सवा तीन घंटे की एपिसोड बननी थी और फिर वो उसने क्या करना था वो फिर कल मिलनी थी आपको वो भी मेरी यूनिवर्सिटी जाने से पहले क्योंकि सुबह फजे तक इसने वो कम्पाइल होना था और फिर उसको टाइम लग जाना था तो अब मैंने ऐसा किया कि आपको दो एपिसोड दे दी हैं मतलब कि दो पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए दो घंटे की कर दी है अब ये जो सवा घंटे की है ये भी ये इन शबह फजे तक आपको मिल जाएगी क्योंकि अब तीन बज गए मैं मजीद नहीं जागना ठीक है तो अब है ऐसे कि मुझे जरूरत है मुझे नींद आ रही है मैंने सोना है मैंने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है हालाँकि मैंने अभी काम करना था अपनी असाइनमेंट पर बैठ के लेकिन मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग करते हैं ये नावल मुकाते हैं बस इधर नावल पर लग गए अब मुझे नींद आ गई मुझे इंशाल्लाह कल मिलते हैं ठीक है अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें हाफिज़